गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको हम वर्गमूल और घनमूल निकालने की बहुत इम्पोर्टेंट एक विधि बताने वाले हैं। किसी भी संख्या का घनमूल या उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये आपके लिए एक बड़ी समस्या रहती है और उसको आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे घनमूल निकालना, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए, इनके घन याद होना चाहिए। एक का घन 1, 2 का, 3 का, 4 का, इन सभी के घन आपको याद होना ही चाहिए। इसके आगे फिर आप देखते हैं, जैसे एक संख्या लेते हैं इनमें से, लिखे लिखे भी हैं। संख्या है 287496, हमें निकालना है इसका घनमूल, माने ये किसका घन है, मतलब किस संख्या का हम 3 बार गुणा करें उसी में, तो ये संख्या हमें मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे तो 6 अंक देख के लगता है कि बहुत बड़ी संख्या है, तो या तो इसको हम छोड़ देते हैं या फिर उसका टाइप कोई तुक्का लगा दे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। घनमूल में हमेशा 3 अंक लेते हैं और यहाँ से 3-3 अंक के हम पेड़ बनाएंगे, पेड़ जोड़े बनाएंगे। देखिए दो जोड़े बन रहे हैं, एक ये और एक ये, यदि दो जोड़े बन रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपका आंसर 2 अंकों में आने वाला है। एक अंक यहाँ से और एक अंक आएगा यहाँ से। सबसे पहले देख लें, पहले जोड़े में इकाई का अंक 6 है, तो इकाई का अंक 6 इनमें से किस घन में आता है, किसके क्यूब में आता है, यहाँ देख लें 6 के क्यूब में आता है। 216 इकाई का अंक 6, यहाँ इकाई का अंक 6 मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पहला अंक हम लेंगे 6। यहाँ देखें 287 इसके बराबर या इससे ठीक कम कौन सा घन है, तो इससे ठीक कम या इसके बराबर, देखिए 343 का ज्यादा है, इससे ठीक कम 216 ही है, यही इससे ठीक कम है, माने 6, यहाँ फिर से 6, ये आपका आंसर हो गया। 287496 का घनमूल आएगा 66, इसका आंसर होगा 66। अगली संख्या लेते हैं नेक्स्ट, 941192। क्या करना है, 3-3 के जोड़े, दो जोड़े बन गए हैं, पहला अंक है इसमें इकाई का 2, तो यहाँ पहला अंक 2 है, कहाँ मिलता है, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, पहला अंक 2 मिलता है हमें 5 का 8 का क्यूब, यहाँ पहला अंक आपका आ गया 8, 941 के बराबर या इससे ठीक कम, 941 के बराबर या इससे ठीक कम है 792, 729 मतलब कि 9 का क्यूब, यहाँ हम लेंगे 9, दूसरा अंक आपका आ गया 9, आंसर आ गया 98 का घन है घनमूल। एक और संख्या देखते हैं, अगली संख्या देखें 117649, तो जोड़े बन गए, पहला अंक है 9, तो पहला अंक 9 कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है 729 मतलब 9 का क्यूब, तो यहाँ पर आएगा 9, 117 के बराबर या इससे ठीक कम, 117 से ठीक कम आएगा 64, माने ये 4 का क्यूब, यहाँ पर आएगा 4, 49 का ये क्यूब है, आंसर आएगा 49। बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, इसकी आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद आपको बताएंगे वर्गमूल निकालने का तरीका।